अभी हम बात करेंगे हमारी जिंदगी में चॉइस करने की, मतलब चुनाव करने की। क्या होता है कि हम कुछ भी बात होगी तो हम बोलते हैं ये क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो भी कारण है। ये क्यों कर रहा है, उसके पीछे कुछ तो भी कारण है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ तो भी कारण है करके मैं कर रहा हूं। अच्छा, ये शर्ट क्यों मतलब क्यों पसंद है? नहीं, बोले इसका रंग अच्छा है इसलिए मुझे पसंद है, नहीं इसका डिजाइन अच्छा है इसलिए पसंद है, मतलब कुछ तो भी कारण है। अच्छा, तुम काम क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए कर रहे हो, कारण हो गया पैसा। तो फिर क्या होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका जो कारण है उसकी यदि पूर्ति हो गई तो फिर प्रॉब्लम होता है। मतलब पैसे के लिए काम कर रहे, पैसा मिल गया, इंटरेस्ट चले जाता है। तुमको ये देखना है कि भाई जो भी मैं कर रहा हूं तो वो क्या मैं उसको डिसाइड कर रहा हूं या चूज कर रहा हूं। डिस्टिंक्शन है डिसाइड करना या चूज करना। डिसाइड करना मतलब क्या है? डिसाइड करना मतलब उसके पीछे कुछ तो भी कारण है। अच्छा, आपने सीताफल आइसक्रीम लेने का निर्णय लिया, खाने का है। क्यों? नहीं, मुझे सीताफल बहुत अच्छा लगता है इसलिए। नहीं, रोज आइसक्रीम की भी, मेरे को रोज आइसक्रीम अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छी लगती है इसलिए। तो मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और वो कारण से काम नहीं होता है। मतलब क्यों कर रहे, उसका क्यों यदि है तो वो तकलीफ देने वाला होता है या दर्द देने वाला होता है। अच्छा, तुम ये लड़की से शादी क्यों कर रहे? क्योंकि मेरा उसके ऊपर प्यार है, मतलब कारण हो गया, आपने डिसाइड कर लिया। तो जब जब आप कारण देते हो तो आपने वो डिसाइड किया हुआ है कि मुझे शादी करनी क्योंकि मेरा प्यार है। अच्छा, प्यार है करके शादी किया और होता क्या है, फिर शादी के कुछ दिन बाद प्यार निकल जाता है, अब क्या करोगे? फिर झगड़े चालू हो जाते। कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है व्यक्ति, बोले हाँ 1,00,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लिया, बोलता मेरे को पूरे पैसे होना पहले एडवांस में, वो एडवांस में पूरे पैसे लेता है, पैसे मिल गए, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में दिली नहीं है। इसलिए हम अक्सर जो जिनको देना है पैसा देने भी, हम देंगे बाद में, अभी नहीं देंगे क्योंकि उसका मकसद ही पूरा हो गया, फिर उसका इंटरेस्ट नहीं रहता काम करने में। जैसे बहुत सारी बातें रहती है कि भाई हमको चूज करना है और उसके पीछे कोई कारण नहीं है। समझे, मेरा दर्द कर रहा है, बहुत दर्द, बहुत दर्द, बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, उसको रेजिस्ट कर रहा हूं। दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। तो जितना मैं रेजिस्ट करता हूं कोई चीज को उतना वो परसिस्ट रहता है। जितना ज्यादा रेजिस्ट करूंगा नहीं होना नहीं होना नहीं होना, उतना ज्यादा वो परसिस्ट करेगा। और जितना ज्यादा मैं उसका स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, चूजिंग मतलब एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करना बिना कुछ कारण, तो उसका आधा दर्द ही निकल जाएगा। मेरा देना घुटना दर्द कर रहा था, डॉक्टर ने बोला यूं करो त्यूं करो, ये गोलियां खाओ वो गोलियां खाओ, फिजियोथेरेपी करो। मैंने यार उम्र के हिसाब से अभी तो दर्द करने वाले है घुटने, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जो है वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसका स्वीकार कर लिया, मतलब उसको चूज कर लिया, तो आधा दर्द वैसे ही खत्म हो गया। अभी समझो एक आधा व्यक्ति है डायबिटीज उसको है, तो डायबिटीज को चूज करना वो एक अलग बात होती है और डायबिटीज को रेजिस्ट करना वो अलग बात होती है। दो बहने हैं, जुड़वा बहनी है, बहने हैं, दोनों को डायबिटीज एक साथ हुआ डिटेक्ट। अब दोनों की मेंटेलिटी अलग है। एक बहन बोल रही है कि मुझे डायबिटीज क्यों हुआ, मुझे नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या पाप किया पिछले जन्म में कि मुझे डायबिटीज हो रहा है, क्या ये रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, गोली भी खानी पड़ती है भगवान क्या करे। और रोज वो अपने आप को कोसती है, भगवान को कोसती है, लाइफ को कोसती है और काम करती है। और दूसरी उसकी जो सिस्टर है उसके ऊपर अलग तरह के संस्कार हो गए जुड़वा होने के बावजूद भी, बोले ठीक है डायबिटीज हुआ तो हुआ, क्या प्रॉब्लम है, इंसुलिन तो है,
टेबलेट्स तो है, वो लेके मैं मेरा जीवन जी सकती हूँ और मुझे कोई परहेज है तो क्या प्रॉब्लम है। तो उसने डायबिटीज को चूज किया और पहले वाले ने डायबिटीज को रेजिस्ट किया, जितना रेजिस्टेंस है उतना परसिस्टेंस। जैसे सेकंड वाले ने डायबिटीज को चूज कर लिया, उसका प्रेशर कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, स्टीरॉयड की मात्रा कम हो गई और वैसे ही दवाइयां डोज जो थी दवाइयों का वो कम होना चालू हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं हरदम कि भाई जो भी आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम है, चूज करो ना, देखो मजा आ जाएंगे, रेजिस्ट मत करो। अच्छा, माँ बाप आपको तो गिफ्ट में आए क्या? यस, आपने लाए क्या? नहीं, आपको गिफ्ट में आए माँ बाप। ऑटोमेटिक माँ बाप को ही बनता है। लोगों का इतना सारा माँ के बारे में, पिताजी के बारे में रेजिस्टेंस रहता है, उन्होंने मेरा अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेरा भला नहीं किया, उन्होंने फलाना किया, उन्होंने मेरे को बहुत मारा पीटा ठोका और पालन पोषण बराबर नहीं किया, जो भी है, मुझे पिकनिक नहीं आया, नहीं मुझे पैसे नहीं दिए, जो चलता है माँ बाप के बारे में, अच्छा सिखाया नहीं, मुझे डेयरिंग नहीं आती है, मैं सब माँ बाप को दोष देते रहते हैं। तो आप रेजिस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो माँ बाप को बिना रेजिस्ट करते यदि आप उनको चूज करते हैं कि मैं मेरे पिताजी को चूज करता हूँ, जो भी है वो है, जो भी किया उन्होंने किया और उनका स्वीकार करता हूँ, तो मेरा लाइफ जो है वो आसान बन जाता है। तो पिताजी को चूज करो, माँ को चूज करो, पत्नी को, पति को, बच्चों को। देखो ना, एक कपल मेरे पास में आया, उनका बच्चा 9 साल का मंद बुद्धि का बच्चा है, इतना उसको रेजिस्ट कर रहे थे वो, ये ऐसा कि बच्चा क्यों हो गया, हमारे नसीब में क्यों आ गया, और ये ऐसा नहीं आना चाहिए था, ये उसको कितनी दवाई दिया, कितना पैसा लगा रहे, ऐसा मैंने उनको समझाया। मैंने बैठो, मैंने देखो ये मंद बुद्धि का है, ये बचपन से बाय बर्थ है, अभी ये सुधरने के चांसेस जीरो है, क्योर नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सुधर सकता है, सुधर सकता है, मगर क्योर नहीं होगा, क्योर होने के चांसेस जीरो है। क्या आप उसका स्वीकार करते हैं, चूज करते हैं बच्चे को? वो कैसे होगा? मैंने चूज करो, उसको एक्सेप्ट करो, वो जैसा है वैसा है, और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका स्वीकार करना आपका प्यार हो जाएगा। और जब प्यार होगा ना, स्वीकार होगा, तो बच्चा बहुत अच्छा होना चालू हो जाएगा, देखते बोले करके। 2 महीने बाद में मेरे पास में आए, बोले आपने जो मंत्र दिया उन्होंने किया, बोले करीब करीब 20-30% फर्क हो गया बच्चे में। बुद्धि कोई ज्यादा नहीं बढ़ी, बुद्धि थोड़ी बढ़ने वाली है, मगर बाकी उसका बिहेवियर, चलना बोलना, उसमें बहुत फर्क पड़ गया, और हमको भी बहुत मन को शांति सुकून मिल गया, बहुत ही रिलैक्स हमें कि ठीक है जो है वो है, जैसा है वैसा है, जैसा नहीं है वैसा नहीं है। तो माइग्रेन को चूज करो, हेडेक को चूज करो, आपको पैर नहीं है समझो, बाय एक्सीडेंट पैर चले गया, हाथ चलेगा बाय एक्सीडेंट, उंगली चली गई, दिखने में ठीक नहीं है, चेहरा बराबर नहीं है, जो भी जैसा भी है उसको चूज करो, ताकि आपकी सफरिंग जो है वो कम हो जाएगी और फिर आप एक नया जीवन चालू कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग ही एकदम बदल जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग गायब हो जाएगी, ओवर थिंकिंग गायब हो जाएगी, क्योंकि आप अभी स्वीकार कर रहे हैं जो है उसका स्वीकार कर रहे हैं, और अनकंडीशनली, कोई भी कंडीशन नहीं है, नो कंडीशंस गिवन, उसका स्वीकार कर रहे हैं, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, थैंक यू।